नमस्कार, आप देख रहे हैं Time24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और अब करते हैं खास खबरों की ओर। वैसे तो नोएडा को उत्तर प्रदेश का सबसे हाईटेक सिटी कहा जाता है, लेकिन कोरोना की दूसरी वेव ने शहर का हाल बेहाल कर दिया है। नोएडा के सेक्टर 39 स्थित CMO कार्यालय पर एक कोरोना संक्रमित रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए ठोकर खा रहा है। इस रोते बिलखते चेहरे को देखिए। ये युवक उत्तर प्रदेश पुलिस से रिटायर्ड इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह भदौरिया के बेटे हैं। महेंद्र सिंह भदौरिया कोरोना से संक्रमित हैं और नोएडा के सेक्टर 39 स्थित कोविड अस्पताल में भर्ती हैं। महेंद्र की स्थिति नाजुक बनी हुई है, जिस कारण डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत है। उनके पास समय कम है, अगर रेमडेसिविर का डोज नहीं दिया गया तो महेंद्र भदौरिया की जान जा सकती है। अब रेमडेसिविर के लिए उनका बेटा सुबह से सेक्टर 39 CMO कार्यालय पर ठोकर खा रहा है। बेटे का रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि सारी जिंदगी पुलिस में रहकर देश की सेवा में बिता दी और आज इंजेक्शन की व्यवस्था करने में असमर्थ हो रहे हैं। वहीं सेक्टर 39 के CMO कार्यालय रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए पहुंचे अन्य लोगों का कहना है कि वे लोग बीते कई घंटे से वहां रेमडेसिविर के लिए खड़े हैं। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन और मरीज के ID होने के बाद भी रेमडेसिविर नहीं दे रहे हैं, जबकि यहाँ रेमडेसिविर मौजूद है। लोगों का आरोप है कि CMO से लेकर और कई अधिकारियों का फोन कर लिया, लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा। सारी दिन की पुलिस की सेवा की और आज अपने लिए इंजेक्शन नहीं जुटा पा रहे। कोई सुनने को राजी नहीं है, ना कोई बात करने को राजी है कि हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। आज वो अपने लिए सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं तो इंजेक्शन नहीं मिल रहे जिससे वो सरवाइव करेंगे। स्थिति इस तरह है, अगर नहीं मिलेंगे इंजेक्शन तो शायद सरवाइव नहीं करेंगे। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं। कोई सुनने को नहीं राजी है कि कम से कम इंजेक्शन मिले सो देट उनको रिलीफ मिले। मैं गाज़ियाबाद से आया हूँ। मेरे को किसी ने बताया कि कल यहाँ शाम को इंजेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। मैं कल रात भी आया था पर 11 बजे तक ये बंद हो चुका था स्टोर। अब सुबह मेरे को फिर आया कि 9 बजे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अभी मैं एक घंटे से यहाँ खड़ा हूँ। फिर मेरी अभी मैंने CMO को फ़ोन मिलाया तो उनके जो असिस्टेंट या जिसने भी फ़ोन उठाया उन्होंने छूटते मेरे से पूछा कि कहाँ के लिए आपको चाहिए। मैंने कहा जी गाज़ियाबाद के लिए। कह रहे फिर नहीं मिलेगा और उन्होंने फ़ोन रख दिया। उसके बाद उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। यहाँ पे अभी मेरे सामने इन्होंने दो जनों को इंजेक्शन दिए। कह रहे थे आप लिखवा के ले आओ, DM से हम दे देंगे। इनके पास इंजेक्शन हैं चाहे लिमिटेड स्टॉक है, पर वो क्या कोटा के लिए रिजर्व कर रहे हैं या किसके लिए कर रहे हैं। मेरे फादर बहुत सीरियसली इल हैं, वो 64 ईयर्स के हैं, उन्हें इंजेक्शन की अभी सख्त ज़रूरत है। जो मार्केट में भी आप देख रहे हैं क्या कुछ रेट मांग रहे हैं लोग? वो कोई 30,000 बोल रहा है, कोई 40,000 रुपये बोल रहा है। कुछ नहीं, मेरी आर्थिक स्थिति नहीं है कि मैं उतने इंजेक्शन अफोर्ड कर सकूँ। और हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं जी 4-5 दिन तक स्टॉक नहीं आएगा। 4-5 दिन तक स्टॉक नहीं आएगा तो क्या होगा, मेडिसिन कहाँ जा रही है, डिस्ट्रीब्यूशन तो हर जगह हो रहा है। ठीक। मेरा नाम परवीन है, मैं इंजेक्शन लेने आया हूँ। 2 घंटे हो गए, इनके पास इंजेक्शन है, कितने हैं ये नहीं मालूम और ये मुझे नहीं दे रहे हैं। मेरे फादर अत्यधिक बीमार हैं और मेरी इतनी स्थिति नहीं है कि मैं बाज़ार से 40,000 रुपये का या 30,000 रुपये का या 25,000 रुपये का इंजेक्शन खरीद सकूँ। क्या आपने किसी अधिकारी से बात हुई कि नहीं हुई? कोई अधिकारी फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है। किस किस को आपने फ़ोन किया है? CMO ऑफिस, DM ऑफिस, नहीं उठा रहे फ़ोन। क्या क्या कह रहे हैं कि इंजेक्शन नहीं है हमारे पास? जब फ़ोन ही नहीं उठ रहा तो क्या बताऊँ? नहीं आप ये तो कह रहे हैं, ये तो कह रहे जी लिखवा के लाओ ऊपर से, तब मैं कोशिश कर सकता हूँ। कभी बोलते हैं माल नहीं है, कभी बोलते लिखवा के लाओ। मेरे पास तो लिखा हुआ है डॉक्टर का, तब भी नहीं मिल रहा। मना कर रहे हैं तो लिखवा भी नहीं रहे, तो मना कर रहे हैं कि डॉक्टर लिखे। मेरे पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, आधार कार्ड है, सब कुछ है, जेन्युइन केस है। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहें Time24 न्यूज के साथ। नमस्कार।